कोरोना काल में बच्चों की शैक्षणिक नींव को मजबूत करने के लिए बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय जुनौरी के भी महतो ने गांव के शिव मंदिर में लगे लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाने का नायाब तरीका अख्तियार किया है इसके अलावा उन्होंने गांव में जगह जगह घर की दीवारों और चौक चौराहों पर हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला का पोस्टर चिपका रखा है ताकि बच्चों को सहूलियत हो यहां ग्रामीणों ने मंदिर में है वहाँ पे बाजा लगा हुआ है और वहीं से हम अनाउंस करते हैं और बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे लोगों के पास है नहीं तो हम सबसे पहले क्या किए कि पूरे गांव को एगो पोस्टर लगा दिए कहीं ऐसे एप्पल वाला कखा कखा फल वेजिटेबल्स पूरे गांव में लगा दिए शिक्षक भीम महतो कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे पहली दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर भी नहीं पाते और दूसरी बात सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है ऐसे में उन्हें बच्चों को पढ़ाने यह तरीका अपनाना पड़ा लाउड स्पीकर से बच्चे लोगों को देखे कि जो मोबाइल बच्चे लोगों के पास नहीं है और वन टू थ्री का बच्चा सबसे ज्यादा जुनौरी स्कूल से जाता है। लॉकडाउन में इस नवाचारी शिक्षक की ड्यूटी कहीं और लगी हुई है बावजूद इसके वह सुबह एक घंटे समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने जुनौरी गांव जरूर जाते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे उनकी इस पहल से ग्रामीण काफी खुश हैं बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट